आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं एक बहुत ही अहम खबर लेकर के हाजिर हुआ हूं फिलिस्तीन और इसराइल के ताल्लुक से। जी हां, जंग का दायरा जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। जंग जो इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान शुरू हुई थी, वो जंग अब इसराइल और लेबनान के दरमियान हो गई है और जिस तरह से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, इसराइल ने भी ताबड़तोड़ कई हमले किए। 300 से ज्यादा मिसाइलें मारी, जिनमें 600 से ज्यादा लेबनानी जो है वो हलाक हो गए हैं और 3-4 हजार के करीब जख्मी हो गए हैं। पेजर मोबाइल अटैक हो या वॉकी टॉकी रहा हो या उसके बाद फिर एयर स्ट्राइक रही हो, लेकिन उसके जवाब में हिजबुल्ला भी बहुत जबरदस्त अटैक कर रहा है और अब तक तकरीबन 200-300 मिसाइलें हिजबुल्ला की जानिब से भी फायर की गई हैं, जिनमें अब तक काफी लोग मारे गए हैं और लेकिन रिपोर्ट उसकी नहीं आ रही। हालांकि अब हैफा देख लीजिए दूसरे मकामात पे, और ताजा खबर जो अभी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल से हिजबुल्ला ने बहुत जोरदार हमला किया है, जिसमें मोसाद जो है वो जिसको खुफिया एजेंसी कहा जाता है बहुत स्ट्रांग है, उसके एक अड्डे को पूरी तरीके से हिजबुल्ला ने तबाह कर दिया, उस पर बहुत ही जोरदार हमला किया है। मैं उसकी तफसील बयान करूंगा कि किस तरीके से आप देखिए कि हिजबुल्ला ने अटैक किया है और अगर वाकई ये एक बड़ा अटैक है और हिजबुल्ला के अड्डे को तबाह किया गया है तो ये इसराइल के लिए बहुत बुरी खबर है। और ये हमला जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया है, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना जोरदार हमला हिजबुल्ला कर रहा है। और कल ही इसराइल के एक साबिक जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा था कि हसन नसरुल्ला को दबाना आसान नहीं है, वो कभी भी नहीं झुक सकते, तो इस तरह के प्रेडिक्शन की गई है। तफसील यह है कि फिलिस्तीन अल योम के हवाले से इरना ने रिपोर्ट दी है कि हिजबुल्ला ने अपने बयान में कहा है कि आज बुध के रोज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:30 बजे तिल अबीब के मजाफात में वाके मोसाद के अहम अड्डे को कादिर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया है। बयान में मजीद कहा गया है कि जिस अड्डे को निशाना बनाया गया है वो कमांडरों यानी हिजबुल्ला को कत्ल करने और मवासलात और वायरलेस आलात और पेजर्स को उड़ाने के मंसूबे पर अमल दरामद का जिम्मेदार था। गजा के खिलाफ जंग के आगाज के बाद यह पहला मौका है जब मकबूजा फिलिस्तीन यानी इसराइल के शहर तिल अबीब को लेबनान से रॉकेट हमले का निशाना बनाया गया है। इस हमले के बाद तिल अबीब गुशदान नीता नया नितानिया और कुछ दीगर इलाकों में खतरे के सायरन बजाए गए, जबकि सहयोनी हुकूमत के जराए इब्लाग ने दावा किया है कि लेबनान से तिल अबीब की तरफ एक मिसाइल को फलक खान दाऊद के फजाई दिफाई निजाम ने रोक कर तबाह कर दिया है। सयुनी आर्मी रेडियो ने यह भी एतराफ किया है कि हिजबुल्ला ने गैलोर बेस की तरफ दरमियाने फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। तो ये रिपोर्ट देखी आई है और जिसमें बहुत कुछ वादे हो गया है और अब हिजबुल्ला ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, लेकिन ये जो हमला किया है मोसाद के अड्डे पर, इसमें साफ साफ कहा है कि जो पेजर्स हैं या जो और अटैक जिस तरह से कराए गए हैं तो इसका जिम्मेदार यही मोसाद का अड्डा है, इसीलिए उसको निशाना बनाया गया है और वहां पे भगदड़ की सूरत पैदा हो गई है। और आपको पता ही है कि इसराइल में एक मुद्दत से यानी 12 महीने हो गए हैं कि जब लोग बंकरों में रहने के लिए मजबूर हैं और वहां के हालात बड़े खराब हैं। नितिनयाहू के खिलाफ मुसलसल प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं कि इस जंग को रोका जाए। इसी तरीके से आप देखिए कि कल जिस तरह से जो अरब ममालिक हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है और फ्रांस ने भी ऐलान किया है कि हम लेबनान के साथ हैं। सऊदी अरब ने अपना बयान जारी किया है, वहां के जो वजारत खारजा है, इसके अलावा यूएई की जानिब से, कतर की जानिब से और फिर फ्रांस की जानिब से, फ्रांस ने भी अपना एक बहुत ही अहम बयान जारी करते हुए कहा है कि हम लेबनान के साथ हैं और लेबनान पर अगर हमला किया जाता है तो ये अच्छा नहीं होगा, फौरी तौर पर इसे रोका जाए। ये आया है बयान और जिस बयान ने वाकई नितिनयाहू की नींद उड़ा दी है और अब जिस तरह से हिजबुल्ला ने हमला शुरू किया है,
क्योंकि नितिन्याहू और इसराइल जो IDF है वो दावा कर रही थी कि हमने तकरीबन जो है हिजबुल्ला को कमजोर कर दिया है, खत्म कर दिया है, लेकिन सच्चाई है कि हिजबुल्ला भी बराबर से हमले कर रहा है। और आज सुबह जिस तरह से मोसाद के अड्डे पर हमला किया गया है वो भी अपने आप में एक बड़ा बड़ा असर हम उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरी जंग जो है वो जारी है। और दूसरी तरफ आप देखिए, एक तरफ सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है, UAE ने ऐलान कर दिया है, कतर ने ऐलान कर दिया है, फ्रांस ने, और इससे पहले हम देख सकते हैं कि हमास, यमन यानी अलहौती, इसके अलावा सीरिया, सीरिया के अलावा ईरान, ये भी पूरी तरह से तैनात खड़े हुए हैं और कभी भी इसराइल को निशाना बना सकते हैं। हालांकि इसराइल की मदद के लिए अमेरिका ने और फौजी भेजे, 40,000 के करीब बताया जा रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ मुश्किल ये है कि जिन अरब ममालिक में अमेरिकी बेस हैं, उन अरब ममालिक ने साफ साफ मना कर दिया है कि ये बेस हम इस्तेमाल होने नहीं देंगे। और ये भी कहा, UAE पहली बार इस तरह से बयान आया है कि आप फौरी तौर पर ये हमला बंद करें। इसी तरीके से सऊदी अरब ने भी तशवीश जाहिर की है, अफसोस जाहिर किया है कि आखिर इसराइल ऐसा क्यों कर रहा है। और इसराइल जिस तरह से एक के बाद एक अभी हमास को शिकस्त नहीं दे पाया, लेकिन अब वो जो है हिजबुल्ला की तरफ बढ़ गया, उधर हौती की तरफ, तो ये अपने आप को एक तरह से जाल में फंसाने वाली बात है। और ये कहना है कि साहब हम कामयाबी हासिल करेंगे और हम जो है अब ग्राउंड बैटल शुरू करेंगे, ये बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद है, क्योंकि ग्राउंड के सतह पर आप हमास को भी अभी नई शिकस्त दे सके, हरा नहीं सके हैं, क्योंकि यहया सिनवार अभी भी हयात हैं। इसके अलावा आप एक भी कैप्टिव अब तक नहीं छुड़ा सके हैं। और आप देखिए कि मोसाद की जो टनल, हमास की जो टनल है उसका पता नहीं लगा सके। तो जब आप पहाड़ी पे ऐसा नहीं कर सके तो जो रेत में टनल हिजबुल्ला ने बना रखा है उस तक कैसे पहुंच पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो बहरहाल आज एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और तेल अबीब पे शायद बैलिस्टिक मिसाइल से इस तरह का ये पहला बहुत बड़ा हमला है। जंग जो है वो वाकई फैल गई है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा, सारी दुनिया की नजर मरकूज है और दुनिया जो है अब इसराइल को अपनी तनकीद का निशाना बना रही है। और ये जो जंग फैली है, जिस तरह से मिडिल ईस्ट को खतरा पहुंचा, इसके लिए सीधे सीधे इसराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बहरहाल देखते रहिए MMC News India, और अगर ये खबर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत।